नमस्कार, वक्त हो गया है सुबह 8 का। चलिए रुक करते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र की ओर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। और हमारे इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष पंडित रविशंकर जी। रविशंकर जी, पैन टीवी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर आज का पंचांग क्या है? ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, नक्षत्र मूल नक्षत्र। आज का दिन गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार, चंद्रमा धनु राशि में स्थित। आज का जो राहु काल है दोपहर 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, सूर्योदय सुबह 6:26 और सूर्यास्त शाम 5:15 पर। ठीक है, देखिए ये तो रही पंडित जी पंचांग की बात, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज की जो राशि फल है वो किसके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआती 3 राशियों की बात करेंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेष, वृष और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा। देखिए प्रथम राशि, पहली राशि मेष राशि, मेष राशि वाले आज के दिन किसी के बहकावे में ना आए। आज का दिन आपका मिला जुला रह सकता है, साथ ही अगर आप किसी के बहकावे में आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। संतान पक्ष से आपको तरक्की से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, साथ ही आज अगर आप व्यापार क्षेत्र में हैं तो उससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, साथ ही आप अपने जीवन को अच्छे ऊंचाइयों पर ले जाने की कामना करेंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आपको अपने बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपको चिंता हो सकती है, साथ ही आप अपने माता जी से थोड़ा स्नेह बढ़ाएं, अनबन होने की संभावना है तो उनका विशेष ध्यान रखें। ठीक है पंडित जी, अब रुक करते हैं अगली 3 राशियों का। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्य में आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि अपने कार्य पर अगर ध्यान देंगे तो वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको धन हानि भी हो सकती है, तो इस वजह से आपको आज थोड़ा सावधानी के साथ रहना होगा। आपकी अगली राशि सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको नए कार्य मिल सकते हैं, साथ ही आपको अपने धन खर्च पे थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, साथ ही आपको अगर नौकरी पेशा के लोग हैं तो उनको मान सम्मान मिल सकता है। बात करें अगली राशि कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज आपको संतान को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही कन्या राशि के जातक को पिता अगर आपके अस्वस्थ चल रहे हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखें, साथ ही आपके आज समय के साथ आपका जो दिन होगा वो शाम तक थोड़ा उतार चढ़ाव भरा होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए पंडित जी तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आखिर आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है और अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी बताएं। जी अगली राशि की बात करते हैं तुला राशि, आज का दिन आपके लिए नुकसान भरा हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपके अंदर दान धर्म की चेष्टा जो है वो बढ़ेगी, साथ ही आपको करना भी चाहिए, यदि आप वरिष्ठ लोगों का आज के दिन सम्मान करेंगे तो जो आपका हानि होने वाला है उससे थोड़ा बहुत बच सकते हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लेन देन में सावधानी
रखने की जरूरत है। साथ ही वृश्चिक राशि वाले, आपको अगर वाहन या गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो उससे भी सावधान रहें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही आज आपको थोड़ा गति से काम करना होगा, तो आपके कार्य बढ़ेंगे और आपको शाम तक उसका लाभ जरूर मिलेगा। अगली राशि की बात करें, धनु राशि। धनु राशि की बात करते हैं तो भाग्य का आज का दिन रहेगा, आपका पूरा भाग्य साथ देगा। साथ ही प्रेम स्नेह अपने लोगों से अच्छा मिलेगा आज आपको। तरक्की के भी अच्छे अवसर बनेंगे आपको। आपको वाहन और भवन लेने की भी संभावना आज के दिन बन सकती है, तो ऐसे जातक अगर लेना चाहते हैं तो आज के दिन खरीद सकते हैं। ठीक है पंडित जी, अब अंतिम तीन राशियों की बात करेंगे। मकर, कुंभ और मीन, इन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा और इनके जो ग्रह है वो आज क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भवन वाहन से आपको संबंधित अगर कोई कार्य है तो उसमें आपको लाभ होगा। साथ ही आज का जो आपका दिन होगा वो उछाल भरा होगा, आपको एक उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने उच्च अधिकारी का आपका पूरा सहयोग मिलेगा और आप थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपकी माता अस्वस्थ चल रही है तो। अगली राशि की बात करें तो कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपना प्रतिदिन का जो रूटीन होता है उसको भली भांत से करें। साथ ही आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेंगे तो आपके कार्य में सफलता होगा और आप धन लाभ के प्रबल योग आज के दिन बन रहे हैं। अंतिम और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आप मिश्रित फल देने वाला होगा, मिला जुला रहेगा। उससे आपको, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप, बृहस्पतिवार का दिन भी है, आप गाय को चने की दाल गुड़ खिला सकते हैं। आपको आज के दिन विशेष धन लाभ होने के योग है। साथ ही आपका थोड़ा स्वभाव जो है वो आज के दिन चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें और शांत मन से अगर सोचेंगे तो व्यापार में भी लाभ होगा और अगर नौकरी पेशा के लोग हैं तो उनको भी विशेष लाभ होने के योग बन रहे हैं। ठीक है, देखिए पंडित जी, ये तो रही राशियों की बात, लेकिन अब सवाल जवाब के दौर भी शुरू करते हैं। देखिए, लगातार लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल हमारे पास यह है कि अमूमन ग्रहों को देख के, ग्रहों की चाल देख के हम बताते हैं कि दिन कैसा होने वाला है या आगे का भविष्य क्या कहता है, लेकिन अंकों का इस्तेमाल करके किस तरीके से भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए, अंकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका अगर सम राशि या अंकों के साथ आपका क्या अंक आता है, 1 से लेकर 9 तक जो भी अंक है, उससे अगर आपकी राशि का मैच करें तो कई लोगों के लिए जैसे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और ऐसे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आपका लकी नंबर 2 4 5 उसके साथ 7 8 और 9 है तो आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। ठीक है, देखिए पंडित जी, यूँ तो देखिए ग्रहों की चाल हर दिन बदलती है और हर दिन जो लोगों का दिन होता है वो बेहद अलग अलग तरीके से बीतता है, लेकिन अभी हमने अंकों का जिक्र किया, क्या ये जो अंक है जो आज हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए शुभ हो, क्या वो अंक कल भी यूं ही बरकरार रहते हैं या कल अंकों में परिवर्तन होता है? नहीं नहीं, वो तो परिवर्तन जैसे ग्रह गोचर में चंद्रमा गोचर करता रहता है वैसे वैसे परिवर्तन होता रहता है। तो आप एक राशि में जो चंद्रमा अमूमन 2 से 2.5 से 3 दिन रहता है तो वो 1 महीना में अपने 12 राशियों का चक्कर लगाता है, तो इस वजह से राशि का गोचर नक्षत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, नक्षत्र भी चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए अंक का भी जो राशिफल होगा वो भी चेंज होता रहता है। पंडित जी, आपने नक्षत्र और गोचर ये दो शब्दों का जिक्र किया, हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में इन दोनों के बारे में। देखिए, जो ज्योतिष का 4 स्तंभ होते हैं, पहला स्तंभ होता है उसका भाव, दूसरा स्तंभ होता है उसका, पहला स्तंभ राशि, फिर आपके नक्षत्र और आपके ग्रह, और जो चौथा आपका होता है वो होता है भाव। कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, क्या नक्षत्र चल रहा है, क्योंकि नक्षत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं,
क्या है, तो ये सब सारी चीजें, जैसे आज मूल नक्षत्र है तो इसमें जो बच्चा संतान जन्म लेगा उसको कहीं ना कहीं गुरु का जो दिक्कतें होंगी, अस्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी, तो उसका लोग उपाय भी करते हैं, तुला दान कराते हैं, पीली वस्तुओं का उसके बराबर दान कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे नक्षत्र का भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ग्रहों का होता है कुंडली। ठीक है पंडित जी, आपने तुला दान का जिक्र किया, ये तुला दान जब करते हैं तो इसमें क्या कुछ चीजें हम दान दे सकते हैं, या कोई इसकी तिथि भी निर्धारित होती है कि बच्चे के जन्म से इतने दिनों तक हम तुला दान कर सकते हैं? मूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो आप दान कर सकते हैं, तुला दान कर सकते हैं आप, उसके बराबर मतलब जितना वजन उसका है उसका अन्न दान कर सकते हैं आप, स्वर्ण दान कर सकते हैं अगर आपके पास है, आप लक्ष्मी दान कर सकते हैं अगर आपके पास श्रद्धा अनुसार है, फल दान कर सकते हैं आप, किसी गरीब कपड़ा दान, वस्त्र दान कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो आपकी श्रद्धा हो वो दान कर सकते हैं। पंडित जी, जो तुला दान होता है क्या क्या हमेशा वजन के मुताबिक ही होता है क्या? हाँ, वैसे वजन के मुताबिक ही होता है, जितना आपका हो उतने बराबर ही करना चाहिए। अच्छा, हम तुला दान को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए तुला दान करने की क्या कोई आयु भी निर्धारित होती है क्या? वो आप कभी भी कर सकते हैं आप कभी भी कर सकते हैं। और देखिए, जो अगर मूल नक्षत्र में है तो उसका विधि विधान होता है 27वें दिन उसका ब्राह्मण भोज करा के 27 वन की लकड़ी, 27 कुएं का जल, इस सबसे विधिवत पूजा होता है। तो ये सब अगर हो गया है तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी पूजा में सारी चीजों का समाप्ति हो जाए। अच्छा, अमूमन पंडित जी, देखा गया है कि लोगों को तुला दान करने की कब जरूरत है वो ये समझ नहीं पाते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे बीमार रहते हैं या बड़े होते होते भी वो बीमार रहते हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ, आपका बच्चा अगर मूल में है, आप अमूमन हर लोग पूछते भी हैं कि जब जन्म होता है तो आप अपने ब्राह्मणों के पास, जो जिनको ज्ञानी आचार्य वैदिक पंडित जो भी हैं उनके पास आप जाते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, आपका बच्चा, आपका जो संतान प्राप्त हुआ है वो मूल में है, तो ये आप ऐसे करिए, जैसे 27 दिन आपको बाल भी नहीं कटवाने होते हैं, आपका पूरा पालन 27 दिन, यहाँ तक संतान को भी नहीं देखना होता है अगर मूल में है, ऐसा है शास्त्र, ठीक है, तो ये उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इन सबका आप करते हैं और अच्छे विधान से आप उसका कर देते हैं तो आगे चल के उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है संतान को, फिर वो दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा। ठीक है, देखिए पंडित जी, ये तो सवाल जवाब का जो दौर था यही पर समाप्त हो जाता है, लेकिन हर एक दिन का विशेष होता है, आज के दिन का विशेष? देखिए, आज का विशेष, जैसे अभी चर्चा हो रही थी मूल और बृहस्पति का, आपके कुंडली में अगर बृहस्पति महाराज अशुभ या नीच के बैठे हैं तो आपको बृहस्पतिवार का विशेष उपाय करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह आप स्नान वगैरह करने के बाद वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, करने के बाद आप एक लोटे में आप चने की दाल, गुड़, किशमिश और चंदन डाल लें पीला, और पीला चंदन ले भी लें, विधिवत जाकर केले के वृक्ष के जड़ पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करते हुए आप उसको अर्पित करें, हो सके अगर परिक्रमा करने लायक है तो आप 7 परिक्रमा भी करें, और घी का दीपक जलाएं, अगर सुबह जला सकते हैं सुबह नहीं, विशेष ये है कि आप शाम को भी घी का दीपक केले के वृक्ष के नीचे जलाएं, और केला आप ग्रहण ना करें उस दिन, अगर आप केला, आपके अमूमन लोगों के रूटीन में होता है कि आप केला खाते रहते हैं, तो उस दिन केला ना खाएं। और एक खास और उपाय है कि उस दिन अगर आपको चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, और आपका जो गुरु नीच का या अशुभ स्थिति में बैठा है उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, और आप अपने करियर में बहुत ही तरक्की करेंगे। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में आज के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।